गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको कक्षा चौथी में ग्रामर के चार लेसन करवाए हैं। लेसन नंबर 1 भाषा, 2 वर्ण विचार, 3 शब्द विचार और 4th आपने किया वाक्य। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आपको एक प्रश्न पत्र दे रही हूँ जिसकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, उसको आपने खुद ही फील करना है। जैसे पहले है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो आपने ये रिक्त स्थान करने हैं। उसके बाद है, उचित वर्ण विन्यास पर सही का निशान लगाएं। इसमें आपने बनाना है कि आराधना वर्ड कैसे बनेगा। उसके बाद कविता, उसके बाद आपने 3rd नंबर पे अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द बनाने हैं, अनुस्वार यहाँ, अनुनासिक यहाँ। उसके बाद निम्नलिखित कथन पढ़कर उनके सामने सही और गलत का निशान लगाइए, जैसे कि आपको दिए गए हैं। ये हैं आपके 5, इनको आपने राइट रॉन्ग करना है। उसके बाद है, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले 2 आगत व्यंजन लिखने हैं और उनसे 2-2 शब्द बनाने हैं। आगत व्यंजन यहाँ लिखेंगे और शब्द यहाँ। उसके बाद उद्देश्य और विधेय शब्द छाट के लिखने हैं कि कौन सा उद्देश्य है, इसमें कौन सा विधेय है, 2 सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। उसके बाद 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आपने लिपि किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने पीछे जो लेसन पढ़े हैं उनसे आपको कितनी नॉलेज हुई। इसकी आंसर की मैं आपको कल भेज दूंगी। आज आपका ये होमवर्क है, आपने इसको प्रैक्टिस में लेना है और 4th कक्षा का है ये। ध्यान से करना है, सोच समझ के उनको लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।